हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में ग्रामर के बारे में मैं आप सबको बतलाऊंगा कि ग्रामर क्या है। तो आइए समझते हैं, पढ़ते हैं ग्रामर व्याकरण के बारे में। आज के इस वीडियो में ग्रामर क्या है और ग्रामर के कितने टाइप्स हैं वो समझने वाले हैं। तो आइए जानते हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज ए साइंस विच टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। व्याकरण एक विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को सही ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। इसे दूसरे तरीके से या दूसरे शब्द में यूं कहा जाएगा, अंग्रेजी व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। नियमों के अनुसार ग्रामर को विभिन्न भागों यानी शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और वर्णों में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है, वह इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। तो ये है इंग्लिश ग्रामर, व्याकरण का परिभाषा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस डिफिनेशन से, ये परिभाषा से समझ चुके हैं कि ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है। अब आइए यहाँ समझते हैं हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर कितने प्रकार के हैं? तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर 5 प्रकार का है, ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार, इटिमोलॉजी, शब्द विचार, सिंटैक्स, वाक्य विचार, पंक्चुएशन, चिन्ह विचार, प्रोसोडी, छंद विचार। ये 5 प्रकार का व्याकरण है। इसके बारे में डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बताऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो ग्रामर पार्ट 2 के नाम से बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। उसमें ये पार्ट्स ऑफ ग्रामर के बारे में पूरे डिटेल के साथ मैं ये 5 के बारे में, जो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार के बारे में पढ़े हैं, ये सब के बारे में मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के इस वीडियो के लिए मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के संबंधी कोई किस्म का सवाल हो, सुझाव हो और सलाह हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या तो ये मेरा जो जीमेल है उस पर ईमेल करें। थैंक यू।